हमारे पास एक क्वेश्चन है, इट्स A1, A2, A3, ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रैटेजीज किसकी? ए की. B1, B2, B3, B4, ये क्या है? किसकी? बी की. अभी स्ट्रैटेजी आपको समझ आई? स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ठीक है, मतलब ये सिलेक्ट कौन सा करेगा, ये इसकी एडवांटेज भी होगी, डिसएडवांटेज भी होगी. आर यू गेटिंग माय डियर? ओके माय डियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वी ऑलवेज प्ले गेम एज पर एज पॉइंट ऑफ व्यू. किसके हिसाब से? किसके हिसाब से खेलते हैं? ए मीन्स जो रो का प्लेयर है, उसके हिसाब से हम गेम खेलते हैं. कॉलम के हिसाब से? किसके हिसाब से गेम खेलते हैं? रो के हिसाब से, ठीक है. क्या लिखेंगे? वी ऑलवेज प्ले गेम एज पर एज पॉइंट ऑफ व्यू. इट मीन्स बेटा जो रो साइड होगा ना प्लेयर, जो रो साइड होगा प्लेयर, उसी के हिसाब से हम गेम खेलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है. और जो ये आप देखते हैं ना 60, 70, 30, इन्हें कहते हैं पे ऑफ. क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म? पे ऑफ. क्या कहते हैं? मैं ये बताऊंगा, अ क्वांटिटी टू मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो बताऊंगा मैं आगे. सबसे पहले हम किसके हिसाब से गेम खेलते हैं? किसके हिसाब से? ठीक. दूसरा ये है ना 60, ये क्या है? -30. प्लस का मतलब है गेन टू ए, माइनस का मतलब है गेन टू बी. नहीं आया समझ? लिसन टू मी, प्लस इंडिकेट्स गेन किसे? ए. माइनस इंडिकेट्स लॉस टू ए, या इसका मतलब है गेन होगा ये किसे? बी को. समझ आया? नहीं आया समझ? अगर ये प्लस है इसका मतलब क्या है? ए का गेन है. अगर ये माइनस है, ए का लॉस है. अगर ए का लॉस है तो बी का गेन होगा. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके. जरा मुझे पहला रो बताइए, रो कौन है? -30, -150, -110. ठीक. अब ऐसे लिखना रो साइड, जो रो साइड है ना, हम चेक करते हैं मिन. क्या मिन? इसके आगे नहीं लिखना. मिन मीन्स छोटा, मिन मीन्स अभी, ठीक है. और कॉलम साइड जो है ना, कॉलम साइड, हम वहां पे सिलेक्ट करते हैं मैक्स. मैंने आगे जगह छोड़ी है, आगे जगह छोड़ी है, आगे जगह छोड़ी है मैंने, ठीक है. आप भी छोड़ना, क्योंकि एक दो दिन के बाद कुछ कहूंगा मैं यहां पे ऐड करना, ठीक, ओके. रो साइड से हम चेक क्या करते हैं? मिन. क्या? रो साइड से चेक क्या करते हैं? मिन मीन्स छोटा. कॉलम से क्या हम चेक करते हैं? मैक्स. ठीक, ओके. ये रो है ना, ये बताए 60, ये ना पहला रो 60, -30, -150, -110, इसमें छोटा कौन है? -150. इज दैट क्लियर? नहीं आया समझ? टफ लगा? नहीं आया समझ? सबसे छोटा कौन है? -150. इज दैट क्लियर? ओके. 70, 10, 90, 50, इसमें छोटा कौन है? 10. ओके. 30, 0, -50 और 80, इसमें छोटा कौन है? हमने चेक क्या किया? मिन. अब इस छोटे में से देखो बड़ा कौन है? 10. ठीक, समझ आया? समझ आया? अब ये कॉलम है हमारा, अब इस कॉलम साइड से चेक क्या करेंगे? मैक्स. बड़ा कौन? शाबाश. बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़ा कौन? 110. इस बड़े में से अब चेक करेंगे छोटा. छोटा कौन? 10. ये और ये मिला, ये हमारा आंसर है. ये और ये मिला, ये हमारा. मगर इसे लिखना कैसे होता है? इसे सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड
आउट द वैल्यू ऑफ गेम, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम. लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. अरे खुदा सर ये क्या होता है, बताऊंगा एक दो लेक्चर के बाद. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गेम, लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. हियर रो से हमारा क्या आया, हियर रो, यहां पे थोड़ी जगह छोड़ना, यहां पे रो मिन इज इक्वल कॉलम मैक्स. ये है ना 10, ये है ना 10, 10 इज इक्वल, ये है ना 10, ये भी है ना 10. देयर फोर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल 10. पहले न्यूमेरिकल आपको समझ आया, न्यूमेरिकल आपको समझ आया. मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही दिखाऊंगा, मगर ये इंग्लिश आपने साथ लिखना है. क्या लिखना है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गेम लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. यहाँ से क्या आया आपका, छोटे में से बड़ा 10, यहाँ से बड़े में से फिर छोटा 10, 10 निकला बराबर 10 के, तो यही आपका आंसर है. यही आपका, समझ आ रहा है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन. ठीक है, कॉपी करें. ओके सबसे पहले हम रो हिसाब से लेंगे. अगर आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है 20, 0, 0, 50, 30, 40, 20, 10, 20, 50, और आपके पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है रो साइड से हम क्या लेते हैं, छोटा. क्या लेते हैं, छोटा. याद है, ठीक है. अगर हम यहाँ पे मिन लिखे, बताए बेटा छोटा कौन है, 20, 0, 0, 50, 30, 0, ओके 40, 20, 10, 20, 50. Is that clear? Okay. Minus 40, minus 30, 0, minus 30, 60. ये छोटा है ना? Okay. 50, 10, minus 50, minus 20, minus 60. Okay. हमने क्या ढूंढा यहाँ से? छोटा. अब छोटे में से क्या ढूंढना? बड़ा है 10. Is that clear? Simple? ठीक? Okay. अब यहाँ से देखे बड़ा कौन है? 50. यहां से देखिए बड़ा कौन है, 20. ठीक, ओके. यहां से देखा बड़ा कौन है, यहां से देखिए बड़ा कौन है, 50. यहां से देखिए बड़ा 60. अब इस बड़े में से क्या देखना, तो हमारे हमें पता है अब वैल्यू ऑफ गेम क्या है, 10. सो वी गॉट आवर आंसर 10. डन. लेकिन अब ऐसे मत लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे पहले, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गेम लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. जो ही निकलता है ना, दिस कॉल्ड सैडल पॉइंट. व्हाट इज सैडल पॉइंट, कल बताऊंगा. ठीक, सो ये निकलता है ना, इसे क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट. तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, जरा मुझे बताएं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गेम, वैल्यू ऑफ अ गेम लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. हेयर रो, फिर थोड़ा जगह मिन, वो क्या है, 10 इज इक्वल कॉलम मैक्स 10. ठीक है, ये इसके बराबर है ना, इसके बराबर होता है. देयरफॉर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स वैल्यू ऑफ गेम क्या है, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, इट मींस ए विंस. किसने जीता, क्यों, प्लस इंडिकेट गेन टू ए, माइनस इंडिकेट लॉस टू ए. इज दैट क्लियर, और गेटिंग माय डियर. अभी तक आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है, रो से क्या देखना है, छोटा. कॉलम से क्या देखना है, बड़ा. इज दैट क्लियर, कॉपी इट. सो ओके माय डियर, बस A1, A2 और B1, B2 है हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गेम. फाइंड द, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए गेम.
इज दैट क्लियर? ठीक है, आप मुझे बताएंगे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, सबसे पहले हम रो से क्या लेंगे? मेन. क्या लेंगे? मेन. छोटा कौन? ठीक, छोटा कौन? अब छोटे में से क्या लेते? बड़ा कौन? वेरी गुड. अब यहां से क्या लेते? बड़ा कौन? बड़ा कौन? अब बड़े में से क्या लेते? छोटा. छोटा आंसर. सिंपल, समझ आ रहा है? सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गेम, लेट्स ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. ठीक है, सॉल्यूशन में वो प्रॉपर लिखे, वो लाइन अब साथ लिखे. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम, लेट अस ट्राई टू लोकेट सैडल पॉइंट फर्स्ट. ठीक, हियर रो. रो में क्या है बेटा? मेन. थोड़ी जगह में छोड़ता हूँ यहाँ पे, ख्याल रखे. रो मेन फोर इज इक्वल कॉलम मैक्स फोर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स. सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स. सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स. क्या कहते हैं इसे? सैडल पॉइंट एग्जिस्ट्स. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अ गेम इज, व्हाट इज द आंसर? फोर. आर यू गेटिंग माय डियर? समझ आ रहा है? ठीक है, इजी है बेटा. ये दो क्वेश्चंस है, आप इनकी प्रैक्टिस करें. सो पहले का आंसर होगा एट.